जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमएसपी क्या है, क्यों इस पर आंदोलन किए जा रहे हैं, क्यों एमएसपी को लागू करने के लिए किसान अधिकतर जो है प्रयास में लगे हुए हैं, और एमएसपी लागू हो जाने के बाद आम जनता के लिए क्या फ़ायदा होगा, क्या किसानों के लिए फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड, उन लोगों के लिए जिनको अभी तक नहीं पता कि एमएसपी क्या है। आज मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। इसलिए आपको करना क्या है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो तो अपने पेज को फॉलो कर लेना है। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि भाई आपने अभी फ़िलहाल में गेहूँ की फसल बो दी है, और बो दिए, फसल में बाली आ गई हैं, और अब गेहूं जो है कटने की बारी पे आ गया है। तो अभी प्रेजेंट में इसका जो रेट चल रहा है, मान लीजिए 21 चल रहा है या 18 चल रहा है, जो भी चल रहा है, एक एक्चुअल रेट चल रहा है, मतलब 21 रुपये मान लीजिए अभी चल रहा है। अभी प्रेजेंट में वैसे देखा जाए तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी मंडी में गेहूँ नहीं आया है। तो फ्रेंड अभी रिसेंटली क्या है कि अभी जो गेहूँ का भाव है वो मान लीजिए कि 21 रुपये चल रहा है। अब जब आपने अपने गेहूं की कटाई की, आपने गेहूं निकाला, और उसके बाद जब फ्रेंड आप अपने गेहूं को मंडी ले जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब गेहूं की तादाद बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो वहाँ पे जो गेहूं का भाव है वो काफ़ी ज़्यादा उतर जाता है। मतलब 21 रुपये से मान लीजिए 17 रुपये हो गया, 16 रुपये हो गया, कभी कभी तो 15 ही रुपये किलो हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जो किसान का गेहूं होता है फ्रेंड, वो किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं दे पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो गेहूँ का जो रेट होता है वो उतार चढ़ाव में लगा रहता है। लेकिन किसान क्या चाहते हैं, जो भाव है मंडी का वो पूरी तरीके से क्या हो, स्थिर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि भाई कि जब हम गेहूं की बुआई करते हैं और जब हमारा गेहूं तैयार होता है, तो अगर उसका भाव 21 रुपया किलो है, तो वो बेचने तक, यानी मंडी का भाव जब तक किसान भाई अपना बेच ना दें, हमेशा के लिए क्या हो, वो 21 रुपये किलो ही रहे। अब बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, भाई चलो ठीक है, वो तो 21 रुपये किलो चलेगा, लेकिन जो और कंपनीज़ हैं जो गेहूं को असेंबल करती हैं और उसके बाद जो पैकेट बना बना कर बेचती हैं आम लोगों को, तो ऐसे में तो रेट वो लोग फिर और ज़्यादा बढ़ा के बेचेंगे। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग गलत सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो? क्योंकि देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि भाई उनको मालूम है, उनको मालूम है कि गेहूं का जो रेट है वो 21 रुपये किलो ही चल रहा है, तो जब वो पैकिंग करके भेजेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये किलो ही बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि एमएसपी लागू है यहाँ पे, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोनों एक ही चीज़ हैं। आपको परेशान नहीं होना है, एमएसपी का ये फुल फॉर्म है, और यहाँ पे जितने भी किसान भाई लोग हैं उनके लिए यही फ़ायदा होगा कि भाई अगर आप 21 रुपये किलो में बेच रहे हैं, तो जो कंपनियाँ अपनी पैकेजिंग वगैरह करती हैं केवल उन्हीं का कॉस्ट वो लगा पाएंगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगा पाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो बहुत से लोग जो हैं आम जनता है, उनको पता होगा कि एक्चुअल में गेहूं की रेट है क्या। भाई लोग ठग कैसे जाते हैं, आम जनता ठग कैसे जाती है? क्यों? उसको पता ही नहीं होता है कि गेहूं का रेट क्या चल रहा है। क्यों? वो सोचता है कि हो सकता है कि गेहूं का भाव बढ़ गया होगा, इसलिए उसने मतलब जो है अपने प्रोडक्ट का भाव बढ़ा दिया है, भाई 109 रुपये किलो बेच रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कि भाई जो आम जनता होती है उसको पता ही नहीं चल पाता है कि गेहूं का एक्चुअल में रेट अभी चल के आ रहा है, इसलिए वो धोखा खा जाते हैं। वरना इतना महंगा कौन खरीदेगा बताइए, इस महंगाई के दौर में इतना महंगा कौन खरीदेगा? क्यों? क्योंकि उनको एक्चुअल में खुद पता नहीं होता है, क्योंकि मंडी का जो भाव होता है वो उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो एमएसपी का मतलब ही यही है कि भाई आप जो है एक रेट हर चीज़ का निर्धारित कर दीजिए, जिससे किसानों का भी फायदा हो और आम जनता का भी फायदा हो, और जो बिजनेसमैन है वो अपना लिमिट का फायदा निकाल पाएं, ज़्यादा फायदा ना निकाल पाएं, गरीबों को ना लूट पाएं। तो फ्रेंड एक्चुअल में एमएसपी का मतलब ये है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसे ही योजनाओं की वीडियो बताता रहूँगा, ऐसे ही नॉलेज आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।